चलिए नेक्स्ट पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन से आपको समझ गया होगा कि अप होने वाला है, मतलब वो इंक्रीज होने वाला है, एलिवेट होने वाला है, बढ़ने वाला है, ठीक है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इजाफा, इंक्रीमेंट, इसका रिलेशन हम यहाँ पर देखने वाले हैं वेपर प्रेशर के साथ में। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, ये सब क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, मतलब प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड होती है ये प्रॉपर्टी, ओके। चलिए आप जरा ध्यान से देखिए, तो हम शुरुआत से कर देखते हैं यहाँ पर। तो अगर हम कोई लिक्विड लेते हैं, सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट फॉर एग्जांपल वाटर लिया आपने, ये वाटर सॉल्वेंट है और ये सरफेस मॉलिक्यूल्स है वाटर के, मतलब अपर लेयर पर, ओके। इनका कुछ ना कुछ प्रेशर होता है, ये हमने देखा था, याद है आपको, ओके। तो ये जो प्रेशर है हम इसको क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसको? वेपर प्रेशर। प्रेशर एग्जर्टेड ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, सरफेस के जो मॉलिक्यूल है ट्राई करते हैं ऊपर जाने के लिए लेकिन जा नहीं सकते क्योंकि नीचे वाले मॉलिक्यूल्स के साथ उनका क्या है? इंटरेक्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किया हुआ है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स ने, तो ये इजीली ऊपर जा नहीं सकते। तो इनका कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर होता है, उसके बहुत सारे फैक्टर्स है। एक है अपोजिंग प्रेशर, ऊपर से कौन है? एटमोस्फेरिक प्रेशर। कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये ऊपर वाला जो प्रेशर है ये इनको आने नहीं देता, इसको कहते हैं हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस है, पता है ना आपको। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां पर होता है एग्जांपल 1 atm, 1 atmospheric प्रेशर, या जिसको बोलते हैं 1.013 bar, बार में इतना होता है, atm में इतना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, ओके। तो यहां पर 1 atmospheric प्रेशर पर नॉर्मल प्रेशर जो बोल रहे हैं हम डे टू डे लाइफ में, तो वाटर को अगर बॉइल करना है तो डेफिनेटली उसका जो वेपर प्रेशर है वो कम है, एटमॉस्फेयर का प्रेशर ज्यादा है, तो इसको अगर बॉइल करना है तो इससे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अपोज करके जब वेपर प्रेशर उसके बराबर हो जाएगा तब लिक्विड क्या होगा? बॉइल। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट का स्टैंडर्ड डेफिनेशन क्या है? When vapor pressure of a liquid equals to the atmospheric pressure, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब मॉलिक्यूल फैल जाते हैं और लिक्विड बॉइल होता है, यानी वेपर्स में कन्वर्ट हो गया। What is mean by vapor? What is mean by boiling point? कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स हैं उनमें ब्रेकिंग हो गया, H2O, H2O ब्रेक हो गए, सेपरेट हो गए, H2O, H2O वेपर बनकर उड़ गए, समझा आपको। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए टेम्परेचर चाहिए, जिसको हम क्या करते हैं? गर्म करते हैं। आप हीट करना शुरू करते हैं इसको 373.15 केल्विन, जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड में बोलते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर बॉइल हुआ कहते हैं ना हम तो मतलब केल्विन में 373.15 केल्विन, क्योंकि 0 डिग्री बराबर होता है 273.15 के। ये 1 डिग्री हुआ तो 273 से 274 होता है, ये 2 हुआ 275, जब ये 100 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 373.15 केल्विन पर अपना लिक्विड बॉइल होता है। क्योंकि ये वाटर इतने टेम्परेचर पर क्यों बॉइल होता है? क्योंकि ये टेम्परेचर पर वाटर का वेपर प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, मतलब ऊपर से जो प्रेशर है, समझा आपको। लिक्विड बॉइल होना शुरू हो गया, भाप बन गई, ठीक है। लेकिन जब आप इसके अंदर ऐड करते हैं एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अगेन आपने लिया सेम वाटर, इसका बॉइलिंग पॉइंट तो वही है यहाँ पर, लेकिन जब आप इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, फॉर एग्जांपल आपने इसमें डाल दिया 1 mole sugar, क्या डाला आपने? 1 mole sugar, तो बीच बीच में शुगर मॉलिक्यूल आ जाएंगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपने इसमें डाला सुक्रोज, क्या डाला आपने?
सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या है? C12H22O11। इसका मास भी निकाल सकते हैं आप। बार कार्बन का वेट कितना होता है? 12। कितना है? 12। कितना होता है? 144। ऑक्सीजन का वेट कितना है? मास 16। 16 × 11 कितना होता है? अरे 10 करे तो 160 होता ना, उसमें और मिला दो 16, कितना हो जाएगा? 176। हाइड्रोजन का 22, कितना हो गया टोटल? ये 6, 10, 2, 12। ओके, ये कितना हो गया? 7, और ये 10 और 4, 14। कितना? 342। मतलब आप 342 ग्राम एक लीटर पानी या एक किलोग्राम वाटर बोलो आप, ठीक है, एक किलोग्राम वाटर या एक लीटर वाटर में अगर आप 342 ग्राम सुक्रोज डालते हैं तो वो 1 मोल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? अब जब अंदर जाएगा तो डिजोल्व हो जाएगा ना, डिजोल्व हो जाएगा तो बीच बीच में सुक्रोज मॉलिक्यूल आ गए यहाँ पर। अब सुक्रोज मॉलिक्यूल आ गए, आपने इसमें डाला है 1 मोल। कितना डाला है? 1 मोल। 1 मोल मतलब उसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है इतना, ठीक है। किसी का भी 1 मोल हम इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इसमें आपने डाल दिया, तो अब क्या होगा? पहले वेपर प्रेशर के लिए जो मॉलिक्यूल्स बेचारे कोशिश कर रहे थे ऊपर जाने के लिए, अब उनकी क्वांटिटी कम हो गई ना। अरे बोलो ना। और ये बीच बीच में कौन आकर बैठ गए? नॉन वोलाटाइल। कौन आकर बैठ गए? नॉन वोलाटाइल। जबकि इससे पहले हमने जो पहले पढ़ा था हेनरीज वगैरह का, उसमें दो हमने देखे थे, दोनों वोलाटाइल थे उड़ने वाले दोनों। तो एक वोलाटाइल में दूसरा वोलाटाइल ऐड करें तो दोनों का मिलाकर टोटल वेपर प्रेशर बढ़ता है ना। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर सॉल्वेंट सॉल्वेंट वोलाटाइल भी नहीं है, मतलब वाटर है नॉर्मल, उसका है जो भी वेपर प्रेशर है, गर्म करने पर वो बॉइल होने वाला है। लेकिन अब उसमें हमने ऐसा सॉल्यूट डाला जो कि बहुत ही नॉन वोलाटाइल है, यानी शुगर, समझा आपको। और जब शुगर आपने उसमें डाल दिया तो यहां पर जो वेपर प्रेशर तैयार करने वाले मॉलिक्यूल्स थे, वाटर मॉलिक्यूल्स, उनकी क्वांटिटी सरफेस पे क्या हो गई? कम। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस, मतलब यहां पर जो भी वेपर प्रेशर था वाटर का, अब यहां पर उससे क्या मिलने वाला है अपने को? लेस। तो जो वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का होता है, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या बोलते हैं उसको? अपन पी नॉट। क्या बोलते हैं? पी नॉट। क्या बोलते हैं उसको हम? पी नॉट। और जब सॉल्यूशन तैयार होता है, क्योंकि यहां सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आ गया ना, अरे आ गया कि नहीं, तो इसको क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या ये? तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पी। कुछ बुक्स में पी एस आता है, पी एस, लेकिन पी भी लिखे तो करेक्ट है, एनसीईआरटी में पी दिया हुआ है, मतलब इट इज अ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से बीच बीच में मॉलिक्यूल आ गए, तो ऊपर जो ट्राई करने वाले बेचारे मॉलिक्यूल थे जो स्ट्राइक कर रहे थे, उनकी क्वांटिटी क्या हो गई? कम। और अगर बाय चांस ये नॉन वोलाटाइल है तो डेफिनेटली नीचे जाएगा, और इंटरेक्शन जितना ज्यादा रहेगा उतना नीचे जाएगा। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे प्रेजेंट है। जितने ज्यादा पार्टिकल्स यहाँ पर नॉन वोलाटाइल ऐड हो गए तो सरफेस पर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल है उनका क्वांटिटी उतना कम होगा, तो वेपर प्रेशर भी क्या होता जाएगा? कम कम कम, समझा। तो यहां पर पी हमेशा लेस रहने वाला है पी नॉट से। पी नॉट से क्या होता है? पी लेस। इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, ये याद रखने का कंडीशन, ठीक है, ओके। अब डेफिनेटली पहले जो था यहां पर वेपर प्रेशर, जैसे उसमें आपने शुगर डाला तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम। तो पहले ओरिजिनल तक लाने के लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना, फिर उसके बाद वो बॉइल होगा, मतलब अब जो बॉइलिंग पॉइंट है इट विल बी ग्रेटर देन 373.15, समझा। तो ये अप्रोक्सीमेट जाता है इसका बॉइलिंग पॉइंट, अगर 1 मोल इसमें डाला हुआ है तो 373.87 या 89 के ऊपर जाता है ये केल्विन में, 373.89 के ऊपर। तो अपने को यहाँ बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा मिल रहा है, रीजन ये कि ज्यादा गर्म करना पड़ा, समझा। तो अब डिफरेंस निकालना है अपने को, डिफरेंस निकालना है तो अपन बोलेंगे दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी नॉट एंड दिस इज टी, समझा आपको।
तो डिफरेंस निकालेंगे हम डेल्टा टी, तो जो बड़ा कौन है सॉल्यूशन का है 373.89 माइनस 373.15 केल्विन में आंसर आने वाला है अपना। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 1 7, मतलब 0.74 केल्विन का अपने को एडिशनल टेम्परेचर यहां पर बढ़ाना पड़ा। अरे बराबर है कि नहीं है? दिस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इतना एलिवेट हुआ, समझा? अब चलिए हम इसका एक ग्राफ देखते हैं, यहां पर जरा ध्यान से देखिए। ओके, तो ये है टेम्परेचर और ये है वेपर प्रेशर। ये टेम्परेचर केल्विन में और ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेयर में या बार में ले सकते, ठीक है? ओके, ध्यान से देखो, इधर देखो, देखो देख रहे हैं ना? हाँ, वेरी गुड। अब यहां पर देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये पॉइंट अपने को शो करता है दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी पी नॉट, समझा आपको? अभी हम इसको गर्म कर रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है ना? अरे टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा ना? हाँ, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जब हम 373 पर पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा बॉय? 373.15 केल्विन, इस पर क्या हो जाएगा ये बॉय? तो हम नोट करेंगे वहां टेम्परेचर है 373.15 किसके लिए? वाटर के लिए। दूसरा कोई रहा तो मालूम है क्या? नहीं, तो इसलिए क्या लेंगे उसको? टी नॉट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर या प्योर सॉल्वेंट जो भी रहेगा वहां पर, समझा आपको? ओके, समझा? वापस आ जाएंगे, अब हम वापस इस पॉइंट के पास आ जाइए, ठीक है? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ाना, अब वापस आ जाओ इधर फिर से नॉर्मल कंडीशन में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, ठीक है? ओके, अब यहां पर हम इस प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं शुगर, ये वाला सॉल्यूट डाल दिया। अब सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर क्या होता है? डिग्रीज होता है ना, तो ग्राफ में नीचे आएगा, यहां की जगह यहां पर आएगा, तो हम बोलेंगे दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये पहले सिर्फ कौन था? ये था सॉल्वेंट, अब ये कौन है? सॉल्यूशन। अब जैसे उसमें आपने सॉल्यूट डाला वो सॉल्यूशन बन गया, लेकिन सॉल्यूट डालने पर वेपर प्रेशर कम, तो ग्राफ में नीचे बताना पड़ेगा ना, तो यहां पर। लेकिन जो हाल टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्वेंट का हुआ वो सॉल्यूशन का भी होगा, वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे बढ़ते जाएगा, लेकिन देखो अब बॉइलिंग पॉइंट वाला जो लाइन है क्रॉस हो चुका है, वहां पर अभी बॉइल नहीं हुआ, वो अभी वो बॉइल होने वाला है यहां पर, समझा? ये जो एक्स्ट्रा लग रहा है ना उसको, ये एक्स्ट्रा यहां पर ये एक्स्ट्रा लग रहा है अपने को उसको टेम्परेचर। दिस पॉइंट शोज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन टी, समझा आपको? तो ये डिफरेंस जितना ज्यादा रहेगा, मतलब आप जितना सॉल्यूट डालेंगे वो नीचे 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 नीचे, अरे जाएगा कि नहीं? अरे बोलो ना, तो ग्राफ भी उसके पैरेलल वैसे ही जाएगा ना, तो ये भी डिस्टेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जब ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा ना, टी माइनस टी जीरो बढ़ते जाएगा ना, तो जितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालेंगे वेपर प्रेशर उतना डिक्रीज होता है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उतना, और बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस डेल्टा टी का वैल्यू बढ़ते जाएगा, समझा आपको? हाँ, तो ये डिफरेंस बढ़ते जाएगा, समझा? तो ये क्वांटिटी अपने को बताती है कि मोलैलिटी, जितनी ज्यादा मोलैलिटी रहेंगी, ओके, मोलैलिटी जितनी ज्यादा, जितना सॉल्यूट आप ज्यादा डालेंगे तो मोलैलिटी ज्यादा रहेंगी ना, अरे बोलो ना, तो उतना डिफरेंस भी क्या आएगा? ज्यादा, समझा? तो हम क्या ऐसा बोल सकते हैं डेल्टा टी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट
इनका डिफरेंस रहता ना ये t माइनस t नॉट बराबर है ना, यही रहता है ना डेल्टा t। डिफरेंस ज्यादा रहे बढ़ेगा, जितना डिफरेंस ज्यादा रहेगा इसका मतलब उसमें सॉल्यूट उतना ज्यादा है, सॉल्यूट उसमें जितना ज्यादा है इसका मतलब क्या है, वहां पर उसमें मोलैलिटी ज्यादा है। मोलैलिटी टर्म है ना, यूनिट है ना, तो हम बोल सकते हैं डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, बोल सकते हैं स्मॉल एम। मोलैलिटी मतलब ये हम 100 साल पहले पढ़ चुके हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ ये याद रखने का इन केजी। और अगर ग्राम में लेना है तो मोलैलिटी इज इक्वल टू एन अपॉन डब्ल्यू, हाँ सॉल्वेंट के लिए वन लेते ना अपन, वन इंटू थाउजेंड, अगर ग्राम में लिए तो थाउजेंड लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है ओके। स्मॉल एन बोले तो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलार मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट जो शुगर डाल रहे हैं उसका वेट, और नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको नहीं पता है, मैंने बोल दिया वन मोल लेकिन आपको नहीं पता है तो क्या करने का, कितना मास लिया 342, उसका मोलार मास भी क्या है 342, आंसर वन, मतलब वन मोल, समझा आपको। लेकिन मोल नहीं पता है तो आप क्या कर सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मोलार मास। तो एन की वैल्यू यहां रख सकते हैं, एम इज इक्वल टू, तो डब्ल्यू टू अपॉन एम टू जब ऊपर रखने के बजाय नीचे वाला जो एम टू है इसको नीचे ला लेते, अरे चलेगा क्या, तो क्या बन जाएगा एन की जगह पर डब्ल्यू टू और उसका नीचे जो एम टू है इसको नीचे ला लेंगे मल्टीप्लीकेशन में, बराबर। बाजू में कौन है W1 कै में ग्राम में, ओके ऊपर कौन है इंटू थाउजेंड, ये सब फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं मोलैलिटी निकालने के लिए, मोलैलिटी फाइंड करने के लिए, समझा। तो डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना है, इक्वल लगाना है तो क्या लेना पड़ता, कॉन्स्टेंट। तो डेल्टा T इज इक्वल टू के बी इंटू एम, कोई भी कांस्टेंट एक यूज करना पड़ता है, यहां पर जो कांस्टेंट यूज होता है उसको बोलते हैं केबी, एंड दिस केबी इज कॉल्ड एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग कांस्टेंट, ओके, या फिर एबिलियोस्कोपिक, ये नेम है इसके, एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग कांस्टेंट या एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, समझा। तो ये डेल्टा टी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, ये अपने को इक्वेशन मिली है, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। व्हाट इज एम, ये रख दो फॉर्मूला, अगर इन डिटेल अपने को छोटी छोटी इंफॉर्मेशन दी तो ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो चलिए, तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू, ऊपर कौन कौन है W2 into 1000, नीचे कौन कौन है M2 into W1 in gram, ये याद रखना आपको, ठीक है ओके। ग्राम नहीं भी लिखे तो 1000 से समझ जाने का, ओके। M2 को इधर रीअरेंज करते हैं, M2 ऊपर डेल्टा डी भी नीचे, M2 is equal to KB into W into 1000 upon डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू वन ग्राम में। तो इससे हम क्या पता चला कि हम किसी कंपाउंड का सॉल्यूट का मोलार मास भी निकाल सकते हैं, अगर प्रैक्टिकली डेल्टा टी बी तो मालूम हो सकता है एक्सपेरिमेंट से, ये एलिवेशन से, समझा आपको। तो डेल्टा टी बी अगर हम प्रैक्टिकली मालूम कर ले किसी, कोई भी एक्स वाई जेड, कोई भी अपन ने एक सॉल्यूट लिया, अपने को नहीं पता है कौन है, आपने डायरेक्ट उसमें डाल दिया एक सॉल्यूशन में, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट निकाले, डिफरेंस निकाला पूरा एक्सपेरिमेंटली, उसको कैलकुलेट कर लिया मोलार मास, लेकिन आपको पता नहीं था कि वो किसका है, तो आप मोलार मास निकाल सकते हैं, समझा समझा। सो दिस इज अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो इसको स्टॉप करते हैं, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ेंगे।